नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं पालक के पराठे। तो ये अप्रोक्सीमेट 250 ग्राम के करीबन पालक लिए है, 2 कटोरी के करीबन आटा लिया है, और ये थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, और बहुत डिलीशियस ये बनते हैं, टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। तो हम इसको बनाना फटाफट स्टार्ट करते हैं और 5-10 मिनट में बन जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसमें ये पालक में को हल्का सा एक बॉईल, क्योंकि हरी सब्जियां हमेशा एक बॉईल करके और फिर ही यूज़ करना चाहिए, तो हल्का सा पानी लेके और फिर मैं इसको बॉईल कर लूँगा। तो एक बॉईल आने के बाद में हम इसको बंद कर देंगे, और इसी में ही हम साथ में ये जो हमने अदरक लहसुन लहसुन की इसमें आप देख रहे हैं 7-8 कली है अदरक के, ये 1 इंच के अप्रोक्सीमेट अदरक, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट आता है। और हरी मिर्ची, 3 बड़ी हरी मिर्ची लिए जो कम तीखी वाली है। और अब हम इसमें एक बॉईल आने देते हैं। आटा जो है उसमें जो हमारी है उसमें सबसे पहले मैं नमक डाल दूंगा, तो नमक मैंने सेंधा नमक लिया है, तो वो आप आधा चम्मच के अप्रोक्सीमेट मैंने डाला है, और 2 कटोरी आटा है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। थोड़ी सी इसमें चुटकी भर हल्दी, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है क्योंकि ये पालक का इसमें कलर रहेगा, और 2 चम्मच के अप्रोक्सीमेट धनिया, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे, और बाद में हम इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल, जब एक आटा गुन जाएगा उसके बाद डालेंगे, क्योंकि उसका लुक उसमें बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब जब जैसे ही ये पालक उबलती है फिर हम इसको पीस के इसमें डालेंगे। ये पालक और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची हमने अच्छे से बॉईल कर ली है। बॉईल करने के बाद इसको तुरंत ठंडे पानी से धोना है, जिससे इसका क्या जो कलर रहता है ना पालक का, वो इसमें ख़राब नहीं होता, वो ग्रीन कलर इसमें मेंटेन रहता है। इसको अब हम इसमें अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे और पीस के इसमें डाल देंगे। ये ध्यान रखना ठंडा करके ही मिक्सर में डालें, मैंने ठंडा कर लिया था इसको अच्छे से, और एक बॉईल ही लेना है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। इसका बारीक अच्छा पेस्ट हम बना लेंगे, और ये बहुत अच्छे से पिस गया है। इसको हम ये जो आटा हमने लिया था इसमें हम शिफ्ट कर लेंगे, इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और हमने नमक और जो भी सौंफ जीरा अजवाइन वो ऑलरेडी पहले से ही डाला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो बहुत जल्दी भी बन के रेडी हो जाते हैं, हेल्दी भी बहुत है, और जो बच्चे पालक वगैरह नहीं खाते वो उनके इस पराठे के साथ में पालक भी चली जाती है, और वो पालक खा भी लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये पालक के पराठे हैं, और लगते भी बहुत कलरफुल है। तो आप बनाइएगा और अपने अपने जैसे जो आप बनाते हैं उसके पिक्चर्स मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी की अगर ज़रूरत लगती तो हम हल्का सा पानी उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें लहसुन अदरक खूब अच्छे से डालना चाहिए, क्योंकि लहसुन अदरक का ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा अलग टेस्ट आता है उसका उसमें, और हल्की सी बॉईल रहती है तो कच्ची भी नहीं रहती है वो, और आटा इसका बहुत ढीला नहीं गूंदना है जैसा नॉर्मल पराठे का हम रखते हैं, उससे हल्का सा इसका टाइट रखना है, क्योंकि पालक जैसी नमक में मिलेगी तो थोड़ा सा पानी वो भी रिलीज करती है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ी देर जैसे मान लो रेस्ट के लिए छोड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो आटा फिर ढीला हो जाएगा, तो इसको टाइट ही रखना है हमको। अच्छा, इसकी एक और चीज़ है कि इसमें आप पूड़ी भी इसकी बना सकते हो, पूड़ी तो इसकी बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर कोई गेस्ट वगैरह घर पे आ रहे हो तो आप इस टाइप से पूड़ी बना के रख सकते हैं, और वो किसी भी सब्जी के साथ अच्छी लगेगी और बहुत टेस्टी और यूनिक आपके लिए डिश बन जाएगी। पर रेगुलर यूज़ में बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी हम लोग ये पराठे आपको बता रहे हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जब हमने आटा गूंद जाएगा अच्छे से तो इसकी फाइनल जो वो होगी उसमें हमको ये तिल्ली, तो तिल्ली ये 1 बड़ा चम्मच के अप्रोक्सीमेट है, वो इसमें तब डालना है ताकि वो ऊपर दिखे। आप देख सकते हैं ये आटा मैंने पूरा अच्छे से कर लिया है। अब इसको 5-1 मिनट रेस्ट करने देते हैं, और फिर उसके बाद में इसका हम पराठा बनाएंगे, और इसके पराठे हम शुद्ध घी में बनाएंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। इसका पराठा बनाना
स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक जो बड़े साइज का नींबू आता है उसके साइज की एक बॉल लूंगा, इसकी बनाऊंगा। ये थोड़े से हल्के मोटे बनते हैं तो ये अच्छे लगते हैं, और बहुत पतले पराठे तो नहीं अच्छे लगेंगे इसके, तो आप अच्छे पंजाबी स्टाइल के पराठे बनाइए। और हम इसको चौकोर शेप में बना रहे हैं, तो आप अपनी पसंद का शेप बना सकते हैं। और ये हम शुद्ध गाय के घी में बना रहे हैं, तो ये कंप्लीट हेल्थ के लिए है। और आप देख सकते हैं इसमें जो तिल्ली है वो ऊपर कितनी बढ़िया दिख रही है, बहुत अच्छी लगती है ये देखने में भी, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं पराठे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि खाना दिखना भी बहुत अच्छा चाहिए। तो ये मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, आपके पास यदि आयरन का तवा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमारा ये पराठा सिकता है तब तक हम एक और पराठे का तैयारी कर लेते हैं, ताकि सर्विंग डिश में मैं ले लूंगा। और ये हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है, बहुत अच्छा ये भी दिख रहा है। और रियली ये बहुत डिलीशियस भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हमको ग्रीन वेजिटेबल्स चली जाती है, क्योंकि इतनी पालक शायद हम वैसे सब्जियों में नहीं खा पाते। तो और आप देख सकते हैं इसकी सब लेयर्स अलग हो गई, और कुछ भी उसके लिए अलग से स्पेसिफिक कुछ आप देख सकते हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। नहीं तो लोग बहुत बहुत घी वगैरह सब लगाते हैं, ये देखिए आप पूरी इसकी लेयर अलग हो गई है। ऐसे ही ये पराठे बनना चाहिए, और हमने कुछ भी नहीं करा है, सिंपल सा उसको फोल्ड करा है। और ये हमारे दोनों पराठे बन के रेडी हो गए हैं, और एक जने के लिए ये परफेक्ट नाश्ता बन के रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच।